पहले आप शुरू करें। जी। वेलकम टू घर सिंघार आई होप आप सब खैरियत से होंगे आज हमारे साथ बहुत एक ख़ास मेहमान हैं वेरी क्रिएटिव लेडी एंड इंटीरियर डिज़ाइनर उनकी अपना उनका अपना शोरूम है बाय द नेम ऑफ स्टर्लिंग फर्नीचर एंड इंटीरियर और हमारे साथ मौजूद हैं लुबना शेख हैं लुबना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू फिर से ही, आप, ही, आप पहले भी आ चुकी हैं और बहुत जबरदस्त हमको चीजें बता चुकी हैं yeah. और आई uh, थिंक हम सबको बहुत आपका इंतजार था एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप लेकिन ये फिर बिफोर वी स्टार्ट आप थोड़ा सा अपना हमको एक uh, ब्रीफ uh, इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले आपके बारे में अच्छा बेसिकली हमारा अपना शोरूम है स्टलिंग फर्नीचर के नाम से और हम लोग की सर्विसेज हैं एज इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंटीरियर डेकोरेटिंग और प्लस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी है तो दिस इज ग्रेट ग्रेट और मैं बताऊँ कि आज हमारा एक बहुत ख़ास टॉपिक है और वो है फर्नीचर पॉलिश और फर्नीचर की देखभाल और लुबना के साथ हम बहुत मज़े के टिप्स भी आ, डिस्कस करेंगे तो आप हेजिटेट नहीं करिएगा आप कॉल इन कर सकते हैं हमारे नंबर पे जीरो नाइन हंड्रेड ट्रिपल टू नाइन सिक्स और लुबना से अपने फर्नीचर के बारे में पॉलिश के बारे में आप सवाल करिए प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग एंड आस्क का आपको ये मौका फिर नहीं मिलेगा और हम शुरू करते हैं सबसे पहले फर्नीचर की जो पॉलिश के बारे में लुबना आपसे इतने मज़े की बातें हो रही थी इससे पहले मैंने तो बहुत एक्साइटेड हो गई और आपने ये बुक भी खोल ली और <laughs> yeah. बहुत सारे पॉइंटर्स भी बना लिए कि सबसे पहले मुझे बताएं कि हम लोग खराब हो जाते हैं हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा जो फर्नीचर है हम उसको कितनी फ्रीक्वेंटली हमको पॉलिश करना चाहिए उसको देखिए डिपेंड करता है फर्नीचर किस तरह इस्तेमाल होता है ठीक है ना कई घरों में इतना फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग नहीं होती है सफाई नहीं होती नहीं। है तो मेरे ख्याल में अगर आपने मेंटेन किया हुआ है अपना फर्नीचर तो आपको हर डेढ़ साल बाद दो साल बाद उसको पॉलिशिंग करानी चाहिए डेढ़ दो साल यस और डिपेंड करता है कि आपका फर्नीचर पॉलिशिंग कौन सी है अगर आपकी मैट है या अपना ऑयल वैक्स वाली है तो उसके लिए दो साल अगर डीको या दूसरे वाले आपके स्प्रेज वो तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है वो काफी अनलेस कि वो डैमेज हो उसमें स्क्रैच आ जाए या कोई चीज हो जाए Otherwise, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं उसकी तो सफाई बड़ी आसानी से असानी हो जाती भी उतना बिल्कुल। यूज हो रहा है नहीं आ, ये भी नहीं होता है बंद है और उसमें भी आपका फर्नीचर पड़ा हुआ है लेकिन आपको उसकी डस्टिंग उसकी और चीजें भी तो लुकावटे लकड़ी को भी तो प्रोटेक्ट करना होता है ना जी कहीं उसमें कीड़ा ना लग जाए बिल्कुल हर चीज देखनी होती है उसके लिए तो ये नहीं है कि बंद है कमरा तो आपको जरूरत नहीं है You okay. You have to maintain you it. have to to maintain. maintain it. मुझे समझते हैं है, तो ये, है, ये, है। oh, really? ये इतने खतरनाक है ये आपके उसको डैमेज करते हैं अपने जो मेन पॉलिश होती है लकड़ी होती है उसको डैमेज करते है अच्छा ये सब अंदाजा मेरा ख्यालों को क्योंकि वो नहीं एक लोग का फॉरन करें आप वो पॉलिश हाँ। क्लीनिंग तो हो जाती है लेकिन ये कि वो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होती है उसके है। लिए बेहतर ये है कि आपके पास जो इमल्शन पॉलिश आती हुँ। है क्लियर इमल्शन पॉलिश वैक्स पॉलिश उसको आप इस्तेमाल करें और मेरे ख्याल में उसके लिए आपके लिए महीने में एक दफा काफी है अच्छा महीने में एक दफा और उसके लिए मैं आपको एक टिप भी दे दूं कि अगर आपके पास फर्नीचर आ, बनावा है अच्छा फर्नीचर है उसको मेंटेन करने के लिए ऑयल होता है जिसको अलसी का तेल कहते हैं है। है। वो है। एक चम्मच ले लीजिए और एक ही बराबर का चम्मच सिर का क्लेयर सफेद वाला जो है। होता है है उसको मिला के आप फल के कपड़े से अपने आ, फर्नीचर पे उसको लगाएं अच्छी तरह okay. उसके बाद मलमल के कपड़े से उसको अच्छी तरह साफ कर करें सॉरी मैं मेरे ख्याल में काटूंगी इसी को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक लेते हैं आप जाइएगा नहीं बल्कि पेपर पेन ले आए एंड विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक और लुबना हमारे लिए कॉल है सलामकुम हेलो ड्रॉप हो गई ड्रॉप हो गई थैंक यू फॉर कॉलिंग बट ट्राई अगेन आपका हम जो भी सवाल है उसका जवाब देंगे लुबना बहुत एक जबरदस्त ट्रिप बता रही थी हमको ब्रेक से पहले थोड़ा सा फिर बता देंगी आई थिंक ब्रेक होना पड़ा आ, 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 आप लोगों को अगर घर के नॉर्मल पॉलिश अगर बनानी है कोई चीज़ नहीं है और साफ करना है तो लिनसीड ऑयल जिसको अलसी का तेल कहते हैं ठीक है।, है और एक चम्मच वो ले लीजिए बड़ा टेबल स्पून और उसी के बराबर एक सिरका सफेद वाला सुफेद फ्लेयर का ठीक है ठीक है उसको मिला के आप अप्लाई करें फला के कपड़े से अपने फर्नीचर के ऊपर या जो भी है काविंग में है जो भी है अप्लाई करें उसको और उसके बाद मलमल मल के कपड़े से उसको रब करें अच्छा तो ये कपड़ों का इस्तेमाल बहुत जरूरी बहुत है जरूरी ये है बहुत जरूरी है कि स्पेशल और साफ कपड़ा होना साफ चाहिए कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल नया ये नहीं की आप पुराना कोई उठा लें और उसको आई थिंक मलमल जो है ना वो बेहतरीन है आपके जो पॉलिश को मेंटेन भी रखता है और साफ भी करता है ठीक है बिल्कुल और लुबना पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही थी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलिश होती हैं हर तरह की हुई भी होती है तो उनको मेंटेन कैसे करते हैं उनके साथ क्या आ, किया जाए उनको मेंटेन करने के देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊँ जो एंटिक पॉलिशिंग होती है जी एक तो एंटिक पॉलिशिंग को ज्यादा टाइम इतनी सफाई की और उस चीज की जरूरत नहीं, होती, नहीं है, होती है लेकिन फिर भी अगर होए